चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे वेरिएबल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड वेरिएबल ईएमएफ के ऊपर। जब हमारा सेल वर्किंग में नहीं होता तब हमने कल बात किया था कि वो उसका स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या होता है, और स्टैंडर्ड ईएमएफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल से निकाला जाता है, और स्टैंडर्ड पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल ऑफ ए इलेक्ट्रोड विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस इलेक्ट्रोड एसएच। अब हम लोग वेरिएबल निकालेंगे, ठीक है, और उस टॉपिक का नाम हम लोग रखेंगे नरनेस्ट इक्वेशन। इस टॉपिक को इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल भी कहा जाता है। अभी तक हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकाले हैं उसमें कंसंट्रेशन 1 मोल होती थी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन की, टेम्परेचर 298 केल्विन होता था, और अगर प्रेशर की बात करते थे तो वो प्रेशर हम लोग 1 एटमोस्फेर या 1 बार मानकर चलते थे, ठीक है। लेकिन अगर ये कंडीशंस ना 1 मोलर से डिफरेंट हो, टेम्परेचर 298 से अलग हो, तो ईएमएफ कितना होगा और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, इस बात को निकालने में नरनेस्ट ने हमारी हेल्प की, ठीक है। नरनेस्ट का जो इक्वेशन है हमारे पास, दैट इज डेल्टा जी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल टू स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी प्लस आर टी बाय एन एफ नेचुरल लॉ, सॉरी आर टी नेचुरल लॉग, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर एन। पी एंड आर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स फॉर एनी केमिकल रिएक्शन फॉर विच लेट अस सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है जो कि सेल में है, ए प्लस बी इज इन इक्विलिब्रियम सी सी एंड टी। दिस इज हमारे पास ये रिएक्शन है, तो उसका डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोड प्लस आर टी नेचुरल लॉग पी एन बाय में आर एन, ठीक है। अगर मैं यहां पे +1 का इक्विलिब्रियम पुट कर दूं तो इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ाया जाता है कि पी एन बाय आर एन का फार्मूला की वैल्यूज 2 हो सकती हैं, इसकी वैल्यू के भी हो सकती है एट इक्विलिब्रियम। जब प्रोसेस इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है तब वो वैल्यू के है, बट अगर प्रोसेस ने इक्विलिब्रियम अचीव नहीं किया है, तो मैंने इक्विलिब्रियम दिखा दिया, अगर इक्विलिब्रियम अचीव नहीं किया उस प्रोसेस ने और ऐसा है वो प्रोसेस, तो मे भी आपको पता हो बिफोर इक्विलिब्रियम और आफ्टर इक्विलिब्रियम अगर हमारे पास डाटा है तो पी एन बाय आर एन की जो वैल्यू उसे क्यों बुलाते हैं, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन कोशेंट। ये वही चीज है, कंसंट्रेशन कोशेंट है ये, ठीक है। चल अभी हम इसको ऐसे मान लेते हैं, तो इसका मतलब हम इस रिएक्शन को ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, याद रखनी है ये, इसका सोल्यूशन नहीं है अभी आपके सिलेबस में, प्लस नेचुरल लॉग को हटा देंगे
2.303 आर टी लॉग बेस 10, समझ में आ गया होगा, पी एन बाय आर एन इज कॉल्ड क्यू, ठीक है। और अच्छा बच्चा हमेशा क्यू में डील करे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि अगर हमें किसी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी चाहते हैं तो डेल्टा जी नोड का फॉर्मूला माइनस एन एफ ई मोड सेल हो सकता है, और यू कैन से अगर स्टैंडर्ड नहीं चाहते हैं तो ये हो सकता है। इसका मतलब माइनस एन एफ ई सेल इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोड सेल प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ठीक है। माइनस एन एफ से डिवाइड करते हैं, देन ई सेल इक्वल टू ई नोड सेल माइनस 2.303 आर टी बाय एन एफ लॉग क्यू, ठीक है। इससे क्या होगा, बी क्लियर यहां तक, ओके ठीक है। अब केस वन, अगर कोई भी प्रोसेस दे रखा है और उसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल टू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दे रखी है और वो दोनों ही वन मोलर दी हुई है, वन मोलर देन, ठीक है। तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट दोनों की कंसंट्रेशन वन वन है, इसका मतलब क्यू की वैल्यू भी वन है, और अगर क्यू की वैल्यू वन होगी तो लॉग वन की वैल्यू जीरो होती है। लॉग वन की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो इसका मतलब ई सेल ही किसके बराबर होता है, ई नोड सेल के बराबर होता है। इसका मतलब स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन वन मोलर होने पर स्टैंडर्ड ईएमएफ और वेरिएबल ईएमएफ हमेशा एक ही बात होते हैं, ठीक है। चलिए अब अगर ये कंसंट्रेशन बराबर नहीं है, ठीक है, मतलब P नॉट इक्वल टू Q नॉट इक्वल टू वन, ठीक है, तो सुना गया, और Q की वैल्यू ग्रेटर देन वन आ गई, ठीक है। अगर Q की वैल्यू ग्रेटर देन वन आ रही है तो अगर ये ग्रेटर देन वन हुआ, ठीक है, तो E नोड सेल में से कुछ ना कुछ माइनस होगा, ठीक है। और अगर E नोड सेल में से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है तो इसका मतलब, ठीक है, E नोड सेल की वैल्यू बड़ी है इन कंपैरिजन टू E सेल, ठीक है, ठीक है। और अगर यहीं पे Q लेस देन वन है तो लेस देन वन है तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो उस केस में ई नोड सेल कम हो जाएगा किससे, ई सेल से। बोलो दस हो जाएगी, चार रिपीट करते हैं। क्यों इक्वल टू वन है तो स्टैंडर्ड ईएमएफ और वेरिएबल ईएमएफ एक ही बात है, बट अगर वो ग्रेटर देन वन और लेस देन वन है तो ई सेल और ई नोड सेल की मीनिंग्स अलग अलग बन जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां से इस बात को समझने के लिए अगर मैं क्वेश्चन पिक करता हूं, ठीक है, लाइक टू डी पॉजिटिव प्लस बी कन्वर्ट्स टू बी टू पॉजिटिव प्लस में टू डी, तो यहां B पे ऑक्सीडेशन हो रही है और D पे रिडक्शन हो रही है, और उसने पूछा है कि D का वैल्यू इतना है और इसका वैल्यू भी इतना है,
तो पूछ रहा है ई और ई नोड सेल बराबर होंगी, ई ग्रेटर देन ई नोड सेल होगा, ई लेस देन ई नोड सेल होगा या न। जल्दबाजी नहीं करने का, क्यू का फार्मूला लगेगा। क्यू का फार्मूला है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। और कंसंट्रेशन हमेशा सॉल्यूशंस की मेजर होगी, ना कि रॉड्स की मेजर होगी। यहां पे डी और बी रॉड्स है तो इनकी कंसंट्रेशन वन ली जाएगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा जाता है कि सॉलिड का कंसंट्रेशन वन होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है। सॉलिड का कंसंट्रेशन वन है, ये इक्विलिब्रियम में भी बात हो चुकी है। सो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ क्यू, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लगा ले एक बार, बी टू पॉजिटिव है इनटू डी, डी के नंबर ऑफ मोल दो है और पावर टू जाएगा, ठीक है। बाय में डी पॉजिटिव का स्क्वायर होगा इनटू में पी होगा। अभी तो हम जानते हैं कि बी और डी का कंसंट्रेशन वन मोल, तो ये तो साइड कर दे। अब तो सीधा निकालना है, बार बार ये कड़ी चोर नहीं मचाना है। बी टू पॉजिटिव की वैल्यू 0.1, डी पॉजिटिव की वैल्यू भी 0.1 का होल स्क्वायर बन जाएगा 0.1 बाय में 0.01, 100 बाय में 10, ठीक है। ये वैल्यू 10 आ गई है, 10 इज ग्रेटर देन 1, और अगर Q ग्रेटर देन 1 होगा इसका मतलब E नोड सेल बड़ा होगा किससे, E सेल से। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही है, बस समझ आ गई, ठीक है। लाइक वो हमसे पूछेंगे क्यों, क्वेश्चन 2d पॉजिटिव प्लस b, b2 पॉजिटिव प्लस में 2d, ठीक है। इसमें इस रिएक्शन में कुछ ना कुछ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, b से b2 पॉजिटिव जा रहा है, दो इलेक्ट्रॉन लॉस करने पड़ेंगे, d पॉजिटिव से d जा रहा है, एक गेन करना पड़ेगा, दो मोल ले लेते तो 2 हो गया। तो इसमें N1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N1 मान लेते हैं कि वैल्यू 2 है, ठीक है। इसके Q का फार्मूला क्या होगा, Q का फार्मूला होगा B2 पॉजिटिव बाय में D पॉजिटिव का स्क्वायर। इसके डेल्टा G का फार्मूला क्या होगा, ठीक है, डेल्टा G का फार्मूला तो माइनस NF, नोड मानना चाहते हो नोड ले लो, ये हो गया, और इसका कोई ना कोई ई नोड सेल भी होगा, ठीक है। अगर ये प्रोसेस हमारे पास है और उसकी वैल्यूज ये है तो यह सब हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अगर ये प्रोसेस को बदलकर मैं ये कर दूं तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, इसका मतलब क्या है, N2 की वैल्यू 2N1 है, ठीक है। Q की वैल्यू क्या होगी, अब ये Q1 मान ले तो डियर ये Q2 होगा, Q2 क्या होगा, B पॉजिटिव बाय में का स्क्वायर बाय में D पॉजिटिव की पावर 2, सॉरी D पॉजिटिव की पावर 4। इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मे भी आप समझ जाए Q2 इज इक्वल टू Q1 का स्क्वायर हो जाएगा। डेल्टा G कितना होगा इसका, डेल्टा G2 की वैल्यू माइनस N2 F E नोड सेल आएगा,
इसका मतलब डेल्टा जी टू की वैल्यू कितनी होगी, टू डेल्टा जी वन। सुन आ रहा है? लेकिन ई नोड सेल की वैल्यू सेम रहेगी, ई नोड सेल फ्रॉम द फर्स्ट प्रोसेस, ठीक है, बी क्लियर। ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या किया है, एक सेल रिएक्शन लगाई और फिर उस सेल रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स को चेंज किया है। नंबर ऑफ मोल चेंज करने से एन की वैल्यू चेंज हो रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, कंसंट्रेशन कोशेंट की वैल्यू भी चेंज हो रही है, क्योंकि 11वीं में बता दिया जाता है कि नंबर ऑफ मोल चेंज करने से के की वैल्यू चेंज होगी, के चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात क्यों भी चेंज होगा। डेल्टा जी का फार्मूला भी एन पे निर्भर करता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर चेंज होता है डेल्टा जी भी चेंज होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड ईएमएफ की वैल्यू सेम रहेगी। वो वैल्यूज जो नंबर ऑफ मोल्स चेंज करने से चेंज हो जाती है, ये तीनों वैल्यू चेंज हो रही है, उन सारी प्रॉपर्टीज को प्लस वन थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया जाता है, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। लेकिन जो नंबर ऑफ मोल चेंज करने से ना चेंज हो तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ईएमएफ एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, जबकि डेल्टा जी क्यू एंड एन उसकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। ज्यादा समझ आ गया? न्यूमेरिकली हमें कैसे करना है, ठीक है, इसको अगर आप लोगों को नीचे ना दिखे तो इफ क्यू लेस देन वन होगा देन ई सेल की वैल्यू बड़ी होगी। यहां तक श्योर? ठीक, ये बात समझ में आ गई। तो अगर क्यू की वैल्यू ढूंढनी है, ई नोड सेल और ई के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना, देन फाइंड आउट क्यू, क्यू को केयरफुली फाइंड आउट करना है, बस फिर आपको आपका आंसर लेना। इसी को भी बढ़ाते हो आगे, ये मैंने आपको क्यों कंसंट्रेशन कोशेंट एक्सप्लेन करके दिया। अब अगर मैं आर की वैल्यू, आप जानते हैं प्लस वन में 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल ले लूं, टेम्परेचर स्टैंडर्ड ले ले, अगर हम लोग एक बार रूम टेम्परेचर 298 केल्विन ले ले, एफ की वैल्यू मैंने आपसे डिस्कस की है पीछे 96500 कूलम, देन बुक के हिसाब से जो आप प्रदीप से एनसीईआरटी में पढ़ेंगे वो ईएमएफ ऑफ द सेल वेरिएबल ईएमएफ इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ईएमएफ माइनस 0.0591 बाय एन लॉ क्यू। क्या हुआ है, मैंने आर टी और एफ की वैल्यू को सॉर्ट कर लिया है, सॉल्व करने के बाद जो आंसर बनेगा दैट इज 0.0591 बाय एन, ठीक है। ये आपका इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन सेल पोटेंशियल है, ठीक है, सेल पोटेंशियल मतलब ईएमएफ, ठीक है। अगर हमें सिंगल इलेक्ट्रोड पे बात करनी है तो दो इलेक्ट्रोड की बात हो गई है, कैथोड और एनोड दोनों यूज हो रहे हैं, ठीक है। सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, कुछ भी, तो आप कुछ भी दिखा सकते हैं। केस वन, आप रिडक्शन पोटेंशियल ढूंढना चाहते हैं, रिडक्शन की कोई भी रिएक्शन मान लेते हैं, एम एन पॉजिटिव गेन एन इलेक्ट्रॉन गेट कन्वर्टेड इनटू एन, ठीक है, तो ये इक्वेशन यूज कर लेंगे, वेरिएबल रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग प्रोडक्ट एम हो गया, ठीक है। अगर आप इसी को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में निकालना चाहते हैं सिंगल रॉड में, तो उसमें ऑक्सीडेशन दिखा दीजिए, तो ई ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये
तो नरनेस इक्वेशन दो बार दिया किसने, इसमें केस वन जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड है सेल बना हुआ है और सिंगल इलेक्ट्रोड, तो आपको अपने न्यूमेरिकल में देखना है कि न्यूमेरिकल क्या मांग रहा है, वेरिएबल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मांग रहा है या वेरिएबल ईएमएफ मांग रहा है, उसके हिसाब से आपको अपना आंसर देना होगा। ठीक है सो यहां एक नोट कर ले बात, इफ गिवन इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट कंप्लीटली डिसोसिएटेड, दे रखा हो, देन करंट विल फ्लो ओनली ड्यू टू डिसोसिएटेड कंसेंट्रेशन। जितना कंसेंट्रेशन डिसोसिएट कर चुका होगा, जितने परसेंट सॉल्ट या इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट कर चुका होगा, वही करंट फ्लो करने में हेल्प करेगा। तो अगर दे रखा हो कुछ ऐसा, तो उसके हिसाब से आप अपना आंसर क्या कीजिए। बात समझ जाएगी? ठीक है, श्योर। तो मैं रिपीट करता हूं, गिव्स फ्री एनर्जी से रिलेट करके नरनेस ने एक इक्वेशन सेटअप करके दिया था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस दिस इक्वेशन पी बाय एन, हम लोग क्यों बोल सकते हैं। अगर हम लोग एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम में जाएंगे तो क्यों को हटा कर के लगा देंगे, और जब हम एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम में तो डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होती है, तो हम वहीं पर यहाँ पर डेल्टा जी पुट करके आंसर लेके आएंगे, वो आगे एप्लीकेशन में आएगा, इस तरह से हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो आपको तैयार करना है एक ये फार्मूला, एक ये फार्मूला, ये सारे एक जैसे हैं, वो तैयार हो जाएगा तो बाकी दो भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हमने कल बात किया था कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, एक सेकेंड, तो SHE का स्टैंडर्ड पोटेंशियल जीरो होता है और बाकियों का स्टैंडर्ड पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन नेगेटिव या पॉजिटिव होता है, लेकिन अब हम खेल रहे हैं वेरिएबल पोटेंशियल के अंदर। तो हाइड्रोजन का वेरिएबल पोटेंशियल कितना होगा, सेम इसकी तरह होगा। ठीक है, कितना, चलिए मान लेते हैं SHE के अंदर रिएक्शन हो रही है और वो रिडक्शन हो रही है, क्योंकि SHE एक सिंगल इलेक्ट्रोड है तो उसका वेरिएबल रिडक्शन या वेरिएबल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही आएगा। रिडक्शन हमेशा सॉल्यूशन पे होती है, ये बात पहले ही कर चुका हूं, और सॉल्यूशन में वहां H पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और H2 बढ़ेगा। बस समझ आ गई? ठीक है, तो E रिडक्शन वेरिएबल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन माइनस 0.0591 बाय एन लॉग प्रोडक्ट बाय में रिएक्टेंट, क्योंकि एच के दो मोल है तो स्केयर चला जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो इन्वॉल्व हो रहे हैं तो टू हो जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल तो जीरो हो चुका है, तो इसका मतलब ई रिडक्शन इज इक्वल माइनस 0.0591 बाय 2 लॉग 1 बाय एच पॉजिटिव का स्क्वायर। इफ हाइड्रोजन का प्रेशर 1 बार या 1 एटमोस्फेयर दे रखा है तो पुट कर देंगे, इफ
अगर न्यूमेरिकली प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू 1 बार है तो हम यहां 1 लेंगे, अगर 1 के अलावा कोई और प्रेशर है देन व्हेन देन वी विल यूज द गिवन प्रेशर। अभी अगर 1 है तो ये ऐसा बनेगा, ठीक है, -0.0591/2 log एच पॉजिटिव की पावर -2 चला जाएगा। ठीक है, log -2 आगे आ जाएगा, नेगेटिव log एच पॉजिटिव पीएच होता है 2 से 2 कट जाएगा और नेगेटिव एच पॉजिटिव पीएच होता है, इसका नाम -0.0591 × pH। तो इसका मतलब अगर वेरिएबल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डायरेक्ट न्यूमेरिकल करने हैं आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के, उसमें आपको पीएच दिया होगा, आपको वेरिएबल पोटेंशियल चाहिए तो ये होगा, और अगर वेरिएबल पोटेंशियल दे रखा है पीएच निकालना तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट दोनों में से एक बात होगी। और अगर ये ऐसा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल का नेगेटिव होता है, तो ये पीएच और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में ही होगा। ये पीएच का न्यूमेरिकल आपको सिर्फ एसिड के केस में मिलेगा क्योंकि वहीं पे एच पॉजिटिव होगा, तो ये आपको यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए वो पूछता है व्हाट विल बी द पीएच ऑफ ए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन विच हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड एट 1 एटमॉस्फेयर इनटू एचसीएल सॉल्यूशन। एचसीएल के सॉल्यूशन में हम जानते हैं हाइड्रोजन बबल करते हैं, वो पूछता है जो एचसीएल का सॉल्यूशन उसका पीएच कितना होगा, और वो बोलता है गिवन दैट पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट दैट पीएच, जो भी वो पीएच है उसके ऊपर वैल्यू कितनी है, -0.118 वोल्ट। ठीक है, सिंपल। अभी हमें पोटेंशियल दिया हुआ है, ओके, और हमें पीएच फाइंड आउट करना है, सीधा डायरेक्ट ले लेगा यार, -0.118 = -0.591 × pH, माइनस माइनस और इसको कट मारेंगे ये 2 पे चला जाएगा तो पीएच की वैल्यू 2 है। ठीक है, बट ये दोनों ही फॉर्मूले तब लेने हैं इफ प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1 बार और 1 एटमॉस्फेयर दिया जाए तो। ठीक है, अगर इससे डिफरेंट है देन वी विल अप्लाई दिस इक्वेशन, तो हम यहां लगाएंगे। ठीक है, चलिए आइए एक और न्यूमेरिकल करके देखते हैं। ये बस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और E1 एंड E2 रिस्पेक्टिवली वेयर इलेक्ट्रोलाइट
used is CH3COONa and CH3COOH in the ratio of 2:1 and 2:x. Then pKa value options are E1 plus E2 by 0.118, E1 minus E2 by 0.118, third one E2 minus E1 by 0.118, and the fourth is minus E2 by 0.118. ठीक है, चलिए आइए। वो बोलता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, प्लीज फोकस ऑन न्यूमेरिकल। ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स की वैल्यू उसने E1 एंड E2 बता दी। वेयर इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इज CH3CONa एंड CH3COH। हम जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ते थे उसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट सिर्फ HCl लेते थे, लेकिन अब वो कह रहा है कि जो मैंने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है वो सिर्फ HCl नहीं है, एक मिक्सचर है सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड। ठीक है, और दो बार उसने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला है। पहली बार जो यूज किया, पहला इलेक्ट्रोड उसने बनाया है उसमें सोडियम एसीटेट का कंसंट्रेशन एक्स है और एसिटिक एसिड का वाई है, और जब दूसरा बनाया है तो सोडियम एसीटेट का वाई है और एसिटिक एसिड का एक्स है। तो कहता व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ pKa। ठीक है, चलिए घबराने का नहीं क्वेश्चन में बिल्कुल। अब इस टॉपिक को ढूंढिए और कहीं ना कहीं से लिंक बनाने की कोशिश कीजिए। प्लस वन क्लास इक्विलिब्रियम जब हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं बफर सॉल्यूशन, वहां हम लोग पढ़ते हैं कि बफर सिंगल सब्सटेंस भी हो सकता है और मिक्सचर भी हो सकता है, और मिक्सचर में एसिडिक बफर भी होता है और बेसिक बफर भी होता है, और एसिडिक बफर एक वीक एसिड और एक सॉल्ट ऑफ दैट वीक एसिड विद ए स्ट्रॉन्ग बेस। उम्मीद है आपको पता हो। तो इसका मतलब अब की बार उसने हाइड्रोजन गैस को एक बफर के अंदर से पास किया है। क्लियर, इसका मतलब कहीं ना कहीं से आंसर बफर से निकल कर आएगा, और प्लस वन क्लास के अंदर ही बफर का पीएच निकालने का फॉर्मूला था एसिडिक बफर का, पीएच इक्वल टू पीकेए नेगेटिव लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड बाय सॉल्ट। उम्मीद है आपको ये याद। ठीक है, और हम जानते हैं अभी अभी पढ़ा हमने, क्योंकि हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू प्लस 0.0591 बाय में पीएच। पीएच किसका होता है, जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं उसका पीएच होता है। हमने जैसे यहाँ HCl का पीएच पुट कर दिया, हमने कहा हमने दो, अब हमारा इलेक्ट्रोलाइट एक बफर हो गया, इसका मतलब पीएच की वैल्यू पुट कर दी है, कितना बढ़ेगा पहला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल E1। ठीक है, केस वन कितना है 0.0591 पीएच का वैल्यू, पीकेए नेगेटिव लॉग ठीक है एसिड का कंसेंट्रेशन, पहले केस में वाई है और सॉल्ट का एक्स है, दैट विल बिकम
y by x, भी क्लियर। केस टू तो सॉल्व कर लेते हैं पहले, e1 इक्वल टू 0.0591 इनटू pka माइनस 0.0591 log y by x, क्लियर। सिमिलरली केस टू लिया जाएगा, उसका बढ़ेगा e2 0.0591 pka, पक्का ठीक है। सो दैट विल बिकम 0.0591 log, दैट विल बिकम एक्स वाई वाई, ठीक है। उम्मीद है कुछ बच्चे समझ रहे हो, ठीक है, जितनों को भी पता है। चलिए क्लियर, ठीक है, जितनों को भी पता है उन्हें पता होगा एक्स वाई वाई को हम लोग लिख सकते हैं, इसी को ऐसा लिख लेते हैं यार, उम्मीद है आप लोग समझे हो। log y by x की पावर माइनस वन भी लिख सकते हैं, इसे और इसे ऐड कर देते हैं तो ये और ये कट जाएगा, इसका मतलब e1 plus e2 equal to ये और ये ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा नहीं है बोले, बस आ गया पीके की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो यहां क्या चाल चलन है, यहां से पता लगता है कि एसएचई के न्यूमेरिकल में वो फंडा पा सकता है हमारे लिए, सिंपल सिंगल इलेक्ट्रोलाइट एचसीएल डाल दे और सीधा पीएच पूछे और हाइड्रोजन गैस को सिंगल इलेक्ट्रोलाइट में डालकर एक मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में फेंक दे, और मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर आपके पास आता है तो घूम जाइए बफर के अंदर, अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है तो वहां से वैल्यूज पुट कीजिए, ऑक्सीडेशन दे रखा है तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है रिडक्शन पोटेंशियल, मैंने 0.1 पीएच का फार्मूला पुट कर दिया, ऐड अप किया एंड वी विल गेट द आंसर, सो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए ये है न्यूमेरिकल एक दो रिलेटेड एसएचई, एंड द लास्ट वन फॉर नर्वनेस्ट, ठीक है। चलिए ताकि आप नर्वनेस्ट की एक्सरसाइज भी सॉल्व कर सके, CD2 पॉजिटिव 0.01 मोलर हर जगह ऐसे ही होगा, या वो बोल देगा मैंने ये किया मैंने वो किया मैंने वहां किया मैंने फलाना किया मैंने वहां किया, कुछ नहीं घबराने का नहीं, वो कहता है ई सेल वेरिएबल ईएमएफ, जैसे ही वेरिएबल ईएमएफ दिखे सीधा जंप नर्वनेस्ट के अंदर, उसमें नर्वनेस्ट में जाना पड़ेगा, और नर्वनेस्ट बोलता है कि वेरिएबल ईएमएफ इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ईएमएफ माइनस 0.0591 एन लॉग, क्यों ई सेल निकालने के लिए हमें ये चाहिए, पहले हम देखेंगे कि उसने जो सेल बनाया है जिसका वो वेरिएबल ईएमएफ हमसे मांग रहा है उसमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कनेक्ट किए, ये तो सॉल्ट ब्रिज हो गई एच पॉजिटिव एच टू, ये तो एसएचई हो गया, यहां तो उसने एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और इधर कैडमियम इलेक्ट्रोड कनेक्ट किए,
तो उसने कैडमियम इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर दिया है और हमें इससे वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, वैल्यू निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले रिएक्शन ढूंढना, चाहे रिएक्शन चाहे इनोशन, स्टेप बाय स्टेप काम करना होगा। ठीक है, चलिए हमें चाहिए एक दो तीन बातें चाहिए, पहले ढूंढते